ऑस्ट्रेलिया संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पास पीएम अल्बनीज ने दी जानकारी। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अगले साल मार्च में भारत का दौरा करेंगे एंथनी अल्बनीज। भारत आसियान समिट कंबोडिया पहुंचे राजनाथ सिंह, अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। आयरलैंड में पुलिस परिसर में बम धमाका, एक की मौत 10 के घायल होने की खबर। चीन में हेनान प्रांत के कारखाने में लगी भीषण आग, 38 लोगों की मौत की खबर आग स्थानीय समय के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे लगी। बोत्सवाना मामले में नहीं कम हो रही पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें, शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई। आयोग ने उन्हें चुनाव पत्रों में झूठे बयानों और गलत जानकारी देने का दोषी पाया। मुंबई से बहराइच शादी समारोह में जा रही दंपत्ति के राजधानी में बदमाशों ने उड़ाए 15 लाख कीमत के जेवर, पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में एएमयू के खिलाफ बीजेपी सांसद ने एसएसपी को लिखा पत्र, सतीश गौतम ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। एएमयू में खड़ी लावारिस बाइकों को लेकर उठाए सवाल। बोलीढाबा के ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंप पर दिखा सुविधाओं का अभाव, सभी नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां, पेट्रोल पंप धारकों पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जरूरत। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले, 4 मंडलों के बदले गए कमिश्नर, मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर को बस्ती मंडल का कमिश्नर बनाया गया। म्यांमार यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने उठाया मानव तस्करी का मुद्दा, कई भारतीय नागरिकों के म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के शिकार होने का मामला है सामने, 38 भारतीय नागरिकों को म्यांमार ने नौकरी। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान 2 दिवसीय भारत दौरे पर, दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री और अब्दुल्ला बिन जायद के बीच हुई मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा में अब प्रियंका गांधी की एंट्री, 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी प्रियंका गांधी। रास्ता वेस्टलैंड घोटाला बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई। लखनऊ में माध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, 29 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे विद्युत कर्मचारी। इंडोनेशिया में भूकंप ने मचाई तबाही, पीएम मोदी ने मौतों पर जताई संवेदना, कहा भारत आपके साथ खड़ा है। नैनीताल में अस्पताल में सिटी स्कैन न होने से मरीजों को बड़ी परेशानी, अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर एलएमएस रावत ने कहा टेक्नीशियन व ट्रेन स्टाफ की कमी। भारत ने T20 सीरीज जीती, बारिश के कारण तीसरा मैच टाई, अश्वदीप सिराज ने 4 विकेट लिए। इससे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी, एन जगदीशन ने बनाए 227 रन, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल शर्मा ने फैंस को दिया मोटिवेट, डैशिंग लुक वाली तस्वीर शेयर कर बोले हर दिन होता है संडे, कपिल ने लोगों को अपनी नौकरी से प्यार करने के लिए कहा। विक्की कौशल के साथ अपनी पहली फिल्म में नजर आएंगे एक्टर रंजीत के बेटे जीवा, शांत कैथन द्वारा निर्देशित भूमिका नाम मेरा महंगी नजर। उन्हें रॉय का ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज, अर्जुन दजुलानी को आया प्यार लिखा, लेटेस्ट फोटो को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है मोनिका। बेटी संग रेत में कहती नजर आई संजीता शेख, गोवा में एंजॉय कर रही है वेकेशन, बेटी आर्या संग वेकेशन एंजॉय कर रही है। ऐसे लुक में छा गई नोरा फतेही, साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत, फोटोज पर आई कमेंट की बात। रणबीर कपूर ने किया दुनिया में अपनी 2 फेवरेट जगह का खुलासा, स्टेज पर लगाया ग्लैमर का तड़का, दुबई में हुए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर नाइट 2022 का बड़ा हिस्सा।